Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. We have completed the chapter decimals. Have we started the new chapter or not? Have we started the new chapter? Yes or no? We have started? No, sir. No, sir. We have to start a new chapter today. Okay. So we have done knowing our numbers. So what are we doing? We are going to start a new chapter. So which one, data handling? No. So which one then? We will start algebra. Okay. Okay, sir. Okay, all of you, let's start algebra. Everyone open page number 161 in your book. Good morning, sir. Good morning. What, which page number? 161. Okay, sir. This is the chapter, algebra. So there is an activity given in your book in on the page number 162. See it, all of you. See it. Striking. Open page number 162. Okay, sir. I am sure you can find the answers by not this, hit not and this, try. Not this. Understanding patterns. Yes. See this, everyone. Understanding patterns. Okay. You can see that understanding the letter the yeah. Understanding pattern jo topic hai usme dekhiye. That the letter A is made with the help of matchsticks. दिख रहा है आपको? The letter A is made with the help of matchsticks. है ना? So this letter A is made up. One letter A is made up of how many sticks? एक letter में कितनी sticks का use किया गया? Sir, three. Three matchsticks. Three. दो लेटर्स के लिए कितनी यूज की गई है?
काउंट देम, अगर दो बार ए लेटर लिखना है, देख सिक्स सिक्स लिखा हुआ उसके नीचे सर सिक्स, एंड अगर थ्री टाइम्स लेटर ए लिखेंगे तो कितनी मैचेस्टिक्स यूज हो रही हैं, सब नाइन नाइन, नाइन, फोर टाइम्स लिखेंगे तो 12, ठीक है। इसी के नीचे टेबल दिया है, अब आप देखिए जो टेबल दिया हुआ है इसके नीचे, तो इसमें फर्स्ट थिंग है नंबर ऑफ एज एंड सेकंड थिंग है नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स। तो यहाँ पे अगर वन ए है, केवल एक ही लेटर ए लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे ए को, तो कितनी मैचेस्टिक्स यूज हो रही है, थ्री, दिख रहा है टेबल में आपको एवरीवन। एंड अगर टू टाइम्स ए यस लिखेंगे सर, देन द नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स आर सिक्स, थ्री टाइम्स ए होगा देन द नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स आर नाइन, फोर टाइम्स लिखेंगे ए को तो नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स 12। अब बताइए फाइव टाइम्स अगर मैचेस्टिक्स आपको, सॉरी फाइव टाइम्स ए लिखना है तो नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स कितनी यूज होंगी? मैं असर 15 15 सर, 5 times 15 बिकॉज़ सर वी मल्टीप्लाई, सर वी विल मल्टीप्लाई सर 5 into 3, ठीक है, सो 5 into 3 is 15, 18 मैचेस्टिक से आप कितने लेटर ए बना सकते हैं, कितनी बार बना सकते हैं लेटर ए को यूजिंग 18 मैचेस्टिक्स? सर सर 18 मैचेस्टिक्स सर सिक्स टाइम्स, यस, 6 बार ए लिखेंगे तो कितनी मैचेस्टिक्स यूज होंगी, 18, ओके। सो दिस पैटर्न शोज दैट देर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला टाइप का बन गया। वो फॉर्मूला देखिए येलो कलर से इन्होंने हाईलाइट किया है, नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स इक्वल्स टू 3 multiplied by नंबर ऑफ एज। अगर मुझे फाइंड करना है कितनी मैचेस्टिक्स मुझे नीडेड है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जितने भी नंबर ऑफ ए बनाने हैं, नंबर ऑफ एज जितनी बार भी लिखने हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सिमिलरली अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक और टेबल दिया है ए एंड बी, ए और बी देखिए, ए की और बी की वैल्यूज गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 3 देन बी की वैल्यू कितनी है 8, इफ ए इज इक्वल टू 4 बी की वैल्यू कितनी है 9, इफ ए इज इक्वल टू 5 तो बी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, एंड इफ ए इज इक्वल टू 6 तो बी की वैल्यू है 11। तो जैसे जैसे ए आगे बढ़ रहा है वैसे बी की वैल्यू भी आगे बढ़ रही है, तो हम क्या ये कह सकते हैं बी की वैल्यू हर केस में, देखिए बी की वैल्यू ए से 5 ज्यादा है, देखो ध्यान से देखिए, सारे केसेस में बी की वैल्यू इज 5 मोर देन ए, द वैल्यू ऑफ बी In all the cases is 5 more than A, है या नहीं है? यानी कि अगर A की वैल्यू में हम 5 ऐड कर देंगे तो B मिल जाएगा, am I right? ये टेबल दी हुई है, देख रहे हैं आप लोग इसी के जस्ट नीचे, जो हम A वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे उसके नीचे देखिए एक टेबल बनाया, A और B वाला टेबल जो बनाया, स्मॉल A स्मॉल B, देखो देखिए, yes, when a is equal to 3, b is 8, a 4, b 9, a 5, b 10, a 6, b 11, तो सारे केसेस में देखिए a और b की वैल्यू में कितना गैप है, इन दोनों नंबर्स में कितना गैप है, 5, यहाँ पर भी b is 5 more than a, यहाँ पर भी b is 5 more than a, यहाँ पर भी b is 5 more than a, तो सारे केसेस में बी जो है वो ए में 5 ऐड करके मिल रहा है आपको, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, एक रिलेशन मिल गया, हैव वी गॉट अ रिलेशन, यस सर, यस सर। तो ये सब जो चीजें बता रहे हैं आपको, ये एलजेब्रा का इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं आपको। चलिए मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब छोड़ो, सब बेकार की बातें बता रहे, बहुत ज्यादा डीप में घुस गए, कुछ ज्यादा मेहनत कर ली इन लोगों ने बेचारों ने।
I'm giving you an example from my slightly examples which are given in the book. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू वेंट टू अ शॉप, आप एक शॉप पर गए, वहां पर कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट, वन चॉकलेट की कॉस्ट है ₹20, ध्यान से देखते रहना, एंड वन बैग, साथ में आपने चॉकलेट्स को रखने के लिए बैग भी लिया, उसकी कॉस्ट है ₹10, मान लो ₹10 का बैग है. तो सपोज इफ यू गो टू द शॉपकीपर एंड यू परचेज 4 चॉकलेट्स, आपने शॉपकीपर से कहा गिव मी 4 चॉकलेट्स एंड वन बैग टू कीप द चॉकलेट्स, तो कितने पैसे दे के आओगे शॉपकीपर को? ₹90. कैसे निकाला बताओ? बहुत इजी चीज है, अगर बाकी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, विदुषी यू नॉट नॉट एबल टू फाइंड आउट 4 चॉकलेट्स और 1 बैग की कितने रुपीज देंगे शॉपकीपर को? 5 रुपीज. 5 रुपीज देंगे? नो सर, नो सर, नो सर. One chocolate cost rupees 20. If there are 4 chocolates and one chocolate costs 20, we will plus 24 times. 20, 20, 20 is equals to... Sir, we can multiply wait. Let her try. Haan, Vidushi. Haan. 60 of 4 chocolates 20, and after... 20 ko 4 times add karenge to 60 aayega. No, sir. हाँ. Four chocolates there is cost of ₹80 and for one bag there is ₹10, so we will plus it one time. It will be ₹20. We will then plus 80 and 10. It will be 90. ₹90 we have to give to the shopkeeper. We will give ₹90 to the shopkeeper. तो ये 20 को 4 टाइम्स ऐड करने से ऐसा अच्छा नहीं था कि 4 से 20 को मल्टीप्लाई कर लेते? यस सर, बट आई जस्ट थिंक इट दैट टाइम. हां, तो 4 × 20 + 1, यू ऑल डिड दिस, एम आई राइट? 4 × 20 + 10, 4 × 20 दैट मींस चॉकलेट्स ऑफ 4, सॉरी कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 1 बैग, तो 80 प्लस 10 How much? ₹90. इतना ही तो पे करोगे शॉपकीपर को? कुछ सामान खरीदने जाते हो तो कैलकुलेशन करते हो, नहीं करते हो? मैंने जो सामान लिया वो कितने रुपए का परचेज किया? Sir, I never go. You never go for shopping. You never go for shopping. I go. No, no, without my mama, I never go. But sir, you should do it. Sir, because the market is far. It is in the Rampur Garden and there is so much rush. So my mama never goes. But you are growing up slowly now, so you should whenever you are going to the market and purchasing now something. I am practicing for the cycle. Listen. Whenever you are going to the market and purchasing, even if you are going with your parents and they are purchasing something, so you should participate in the calculation of the items. उसमें जरूर participate किया करिए कि items की calculation हो. जो मैथ्स हम लोग करते हैं उसका कहीं पे यूज तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? Am I right? Yes, sir, shopkeepers have more, way more knowledge about maths than us. हाँ. Okay. So, suppose ये तो 4 chocolates के लिए हो गया. चलो अब मैं आपसे कहता हूँ डोंट डू इट फॉर 4 chocolates. मैं आपसे कहता हूँ find the cost of 7 chocolates plus one bag. एक बैग भी आपने ले लिया, 7 chocolates. 150 rupees, sir, 150 rupees. So seven, one chocolate cost ₹20, so 7 chocolates की cost 7 × 20.
140 हाँ प्लस 10 rupees पर बैग 140 प्लस 10 150 rupees पे कर देंगे शॉपकीपर को कोई yes, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें no, नहीं है ना sir, नो प्रॉब्लम हाँ सो लेट मी नाउ गिव यू दिस केस एक्स चॉकलेट एक्स चॉकलेट प्लस 1 bag आप बताओ कितने रुपीस दे के आओगे देयर आर नो देयर एंड नॉट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट सो इफ देयर इज गिवन द कॉस्ट ऑफ 20 rupees फॉर वन चॉकलेट वी विल यूज दैट एंड द वन बैग सर कैन आई से रुपीस 10 सो व्हाट डू यू डू वी विल प्लस इट एज 30 नो एक्स वी आर परचेसिंग एक्स 20x plus 10 this is the equation and we will finish it now only we have no like terms so cost now, of cost of one chocolate we all know it is 20 rupees yes sir sir so abhi aapne 7 chocolates ki cost nikalne ke liye 7 into 20 kiya tha yes sir to find the cost sir, of so 7 chocolates to so to find the cost of x chocolates 20 into x प्लस ये तो ये कॉस्ट हो गई एक्स चॉकलेट्स की कॉस्ट आ गई है 20 into x प्लस 10 rupees पर बैग बिकॉज़ 1 bag हमने परचेज किया तो व्हाट इज दिस दिस इज 20x plus 10 तो ये क्या है व्हाट इज दिस क्वेश्चन दिस इज अ जनरल एलजेब्रिक एलजेब्रिक यही चैप्टर पढ़ते हैं एलजेब्रा जनरल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी उसका उसके लिए एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बना ली अब आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूला में काइंड ऑफ फॉर्मूला बन गया ये एक इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला सपोज जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 3 chocolates परचेज करी तो आप इस फॉर्मूला में क्या करेंगे 20 into x की जगह 3 पुट कर देंगे अगर मैं 3 chocolates कहता हूँ तो आप x को हटा के 3 लगा देंगे प्लस 10 तो कितना आ गया 60 plus 10 विच इज 70 rupees फायदा हुआ फॉर्मूला का या नहीं हुआ जनरल फॉर्मूला सही है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया क्या होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the general expression which represents a particular problem or a particular situation theek hai now this algebraic expression is made up of three things mainly three things se mil kar ke bana hai ye jo expression hai ye teen cheezon se bana hai wo teen cheeze kya hain first is constants yes sir so can I tell ek hai constants दूसरी चीज है वेरिएबल्स एंड तीसरी चीज है ऑपरेटर्स व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं नंबर्स यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हमने यूज किए हैं वो कौन से हैं जो भी नंबर्स होते हैं वो सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको कॉन्स्टेंट क्या चीज होती है कोई चीज ऐसी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है 20 इज अ कॉन्स्टेंट 10 इज अ कॉन्स्टेंट 20 भी कॉन्स्टेंट है 10 भी कॉन्स्टेंट है तो ये नंबर जो होते हैं 20 इज अ कॉन्स्टेंट 10 इज अ कॉन्स्टेंट 20x इज नॉट 20x तो ये यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट भी आ गया वेरिएबल भी आ गया अभी हम सिर्फ कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं ओके So 20 is a constant because it is a number. Numbers की value हमेशा fix होती है. Numbers की value ऊपर नीचे थोड़ी होती है. कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आपने किसी question में 20 को मान लिया कि 20 count करा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 chocolates आपने निकालनी. और किसी और question में अगर आपसे 20 बोला गया तो आप सिर्फ 10 chocolates निकालनी. ऐसे थोड़ी करोगे. 20 की value तो fix होती है. हमेशा तो मैं पता ही ना 20 chocolates अगर बोला जाएगा तो कितनी chocolates निकालनी है. ये तो पता है ना आपको पहले से. ऐसा तो नहीं हो कभी कितनी निकालनी कभी कितनी निकालनी ऐसे थोड़ी करोगे
तो दैट मीन्स इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. तो कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग यही होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इट डज नॉट चेंजेस. वेरिएबल, ये भी नाम से क्लियर है, कोई चीज जो वेरी करती है. वेरी करती है मतलब चेंज होती है. तो यहाँ पर किस चीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है वेरिएबल. इसके पास कोई अभी कोई वैल्यू असाइंड नहीं है, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यू हो सकती है. देखिए मैंने कितनी बार एक्स की वैल्यू अभी चेंज करी थी. स्टार्टिंग में मैंने पूछा था 4 चॉकलेट्स परचेज करनी, फिर मैंने कहा था 7 चॉकलेट्स परचेज करनी, फिर मैंने कहा था 3 चॉकलेट्स परचेज करनी. तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ एक्स की. ये एक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है बार बार. तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. व्हाट इज एन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, पढ़ते हैं बचपन से. तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स का यूज हुआ है, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर यूज, टू ऑपरेटर्स, कौन से दो ऑपरेटर्स यूज हुए. एवरीवन इज लिसनिंग आई होप. मल्टीप्लाई एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस ऑपरेटर्स यहाँ पर दो हैं. द टू ऑपरेटर्स आर प्लस ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी है. कहाँ है मल्टीप्लाई ऑपरेटर सर, मल्टीप्लाई 20x, तो वी विल मल्टीप्लाई 20x का मतलब क्या होता है, 20 multiplied by x, ये मतलब होता है ना 20x का. तो ये लगा हुआ है मल्टीप्लाई, दिख नहीं रहा है लेकिन है. तो दिस देयर इज प्लस ऑपरेटर एज वेल एज मल्टीप्लाई ऑपरेटर. समझ में आ गया कॉन्स्टेंट वेरिएबल और ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग, वेरिएबल्स का मीनिंग एंड ऑपरेटर्स का मीनिंग, क्लियर है. यस सर. तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं, इन तीनों चीजों के मिक्सचर से क्या बनता है, इन तीनों चीजों के मिक्सचर से बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आगे बात समझ में है क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फाइन, देखिए सो ये क्या है, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तीनों चीजें मिल गई. ओके सो लेट्स नाउ स्टार्ट विथ द थिंग्स विच आर गिवन इन द बुक. वेरी सिंपल एक्सरसाइज इज गिवन. यहाँ पर आपको पैटर्न को पहचानना है और आंसर करना है बस. क्वेश्चंस को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इन द बुक ओनली वी विल डू इट. ओपन योर बुक्स पेज नंबर 164, एक्सरसाइज 11.1. सर आई अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज, आई हैव डन द पैटर्न आल्सो. Sir, I know the pattern. Sir, first pattern is 8, 12, 16, 20. So, in this, what is here that there is a graph of 4. So, like 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 4, 20. 20 plus 4, 24. Okay, understood. Everyone, Vidushi has explained the question. So, 24 is the answer, correct? Very good. I hope you all have understood. So next very one nice. Is. Chalo, Nabi Vidushi. Let someone else explain. Chalo, Shaurya Patel, you will tell the next one. Sir, I understand this one. Hello? Sir, I can't understand, sir, this one. Can't understand. Achha, bhaiya. दक्ष कुमार एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये दक्ष कुमार का माइक ही कनेक्ट नहीं है. ओ बड़ा मेहनती बच्चा है बेचारा, माइक कनेक्ट करके पढ़ता नहीं है, बिना माइक कनेक्ट करे पढ़ लेता है. मेहनती बच्चों को मैं क्लास से निकाल देता हूँ, इतने मेहनती बच्चे नहीं चाहिए जिनको पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे क्लास में बैठे. चलो बेटा चलिए. शौर्य पटेल क्या कह रहे थे बेटा, यू डोंट नो द पैटर्न इन दिस वन. चलिए अभय राणा बताइए.
सर आई कांट अंडरस्टैंड सर आई कांट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम अबे राणा यस सर टेल दिस सर सेकंड यस सर सेकंड सेकंड सर वी विल प्ले सर सर द वी आर प्लेसिंग द 5 एंड देन 10 एंड देन 20 means we are every oh, number Verana, that is wrong first one is 4 plus 5 is 9 then 9 plus 8 is 19 9 plus 8 9 plus 8 is 19 9 plus 8 is 19 no it is 10 and then 20 I think so yes we I just thought wrong we are multiplying every number by 2 yes so that is देखो मैं बताऊं लेट मी टेल यू आर राइट अबे फर्स्टली वी हैव एडेड 5 पहले हमने 5 ऐड किया था 4 में देखो मैं यहां लिख के दिखाता हूं 4 19 सॉरी 9 है 4 के बाद 9 है देन 19 देन 39 उसके बाद क्या आएगा वो लिखना है ये तो व्हाट इज दिस हाउ वी हैव गॉट दिस ऐड 5 यू गेट 9 ठीक है From here to here, add 10 by adding 10. यहाँ से यहाँ पर add 20. तो पहले 5 add करा, फिर 10 add करा, फिर 20 add करा. अभी वाला 30. It will be 69. 40 add करेंगे बेटा, 30 add करेंगे. Sorry sir. It will be then. Double add कर रहे हैं. 70. 70. Adding. So it will be what I guess है. 79. Firstly, we have added 5 and then number double करके add कर रहे हैं 5 में 5 का double कितना हुआ 10 add कर दो 10 फिर 10 का double 20 add कर दिया फिर 20 का double 40 add कर देंगे so the answer will be 79 clear ये तो आपने reasoning में करा हुआ है number series and all रीजनिंग में इतनी बार करा हुआ है ये तो मैंने भी कराया था लास्ट ईयर ओके थर्ड वन आई एम कमिंग इन अ मिनट 81 27 9 3 यस व्हाट विल कम नेक्स्ट व्हाट इज द पैटर्न क्या हो रहा है इस पैटर्न में सर वी आर डिवाइडिंग 3 यस वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 9 81 डिवाइडेड बाय 3 27 27 डिवाइडेड बाय 3 9 9 डिवाइडेड बाय 3 3 3 डिवाइडेड बाय 3 1 1 is the answer, correct. Okay. Next one. हटा दें ये वाले. So, fourth one. 1. Sir, I know, sir, 4, I know. 9. 16. Dash. 1 में क्या add किया? Okay, tell the answer. Tell the answer. We are adding. Sir, we are adding the prime numbers here. 1 plus 3 is equal to 2. Then 4 plus 5 is equal to 9. Then 9 plus 7 is equal to 16. Then 16 plus 11 is equal to 20. No. We are not adding the prime numbers. We are adding the odd numbers. Odd numbers in this order. Odd numbers. First, we added 3. We started with 3. Okay, sir, odd. हाँ पहले 3 ऐड किया फिर 5 ऐड किया फिर 7 ऐड किया अब ऐड करेंगे 9 ओके सर 9 सो 25 देयर इज वन मोर पैटर्न हियर एक और पैटर्न है स्क्वायर का मीनिंग पता है आपको 1 स्क्वायर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टू द पावर 2 क्या मीनिंग होता है इसका 1 into 1 स्क्वायर सर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ वेरी नाइस एब्सोल्युटली करेक्ट Absolutely correct.
अब देखना, 2 की पावर 2 यानी कि 2 into 2 व्हाट इज दिस, 4 हुआ। देन 3 स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 3 सॉरी 3 into 3 9, 4 स्क्वायर 4 into 4 16, 5 स्क्वायर 5 into 5 25। आया समझ में आंसर? यस आई कैन सर, आई अंडरस्टैंड। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म सर? ट्रायंगल सर, अगर मैंने इसमें नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ, व्हाट विल बी द आंसर? ओके सर, राइट। What is the next term in this series? Sir, we have done fourth. नहीं बेटा, इसी क्वेश्चन में मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगी? 25 तो लिख दी, उसके बाद अब मैं पूछ रहा हूँ अगर नेक्स्ट टाइम और लिखेंगे तो क्या होगी? एक टाइम और अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगी? सर 36। 36 कैसे निकली? सर बिकॉज़ वी ऐड ऑल नंबर ऑड नंबर्स देन वी द स्क्वायर ऑफ 6 आल्सो। यस, 9 के बाद अब नेक्स्ट नंबर क्या ऐड होना चाहिए? इट शुड बी 11। So when you add 11 and 25, you get 36. एक और पैटर्न है, 6 की 6 स्क्वायर निकाल लेंगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इनटू 6 व्हिच इज 36। सो नेक्स्ट टर्म अगर निकालनी है तो आंसर विल बी 36। क्लियर? इसके बाद भी एक और निकालनी है, चलो एक और बताओ इसके आगे। 36 के बाद क्या होगा? 36 के बाद होगा36 में 13 ऐड कर लो तो भी मिल जाएगा 49। ओके, यू कैन यूज एनी पैटर्न। तो ये पैटर्न हमने यूज कर लिए यहाँ पर टू फाइंड द आंसर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। यस सर, वी हैव टू डू दिस इन बुक और कॉपी सर, बिकॉज़ आई हैव डन इन बुक। क्वेश्चन 2 सर, 1 इज टू बी डन इन द बुक ओनली एंड 2 आल्सो। How we do? Right. 2 also we have to. Question 2 also we will do in the book. The number of matches is 68. So how we have to do this one? Yes, I am telling. You, there is 1 square given in the first figure. And how many matchsticks are used for this? Ek square banane ke liye kitne matchsticks use honge? Count the number of matchsticks. 4? 4. And then in the next one, how many squares are there? But the matchsticks are only 7. 7, absolutely right. Next one, how many matchsticks are used? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haan, batao. Sir, there are 3 squares and... How many matchsticks? Sir, 10. 10, very good. Next one. Sir, well, there are 4 squares and 13 matchsticks are used. So, can you identify the pattern? Yes. How will you make a pattern in this? Kya ho raha hai? Sir, the pattern is... one square is adding up, but the total number of matchsticks are not there. Um,
then 7, then 10. Sir, we are adding 3. Sir, we are adding 3 in every day. बच्चों को वैसे ये क्वेश्चन देना चाहिए था. आप लोग इस क्वेश्चन के लिए थोड़े छोटे हैं. No, sir. नहीं वो तो ठीक है बेटा, बट यू कैन नॉट फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना. पैटर्न तो ठीक है. व्हाट रूल, व्हाट राइट अ रूल व्हिच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग. यू कैन नॉट राइट द रूल फॉर दिस. अभी तो तुम लोग थोड़े छोटे हो उसके लिए. द रूल इज दिस, 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 3, दिस इज द रूल. वन प्लस थ्री एक्स भी लिख सकते हैं. वन प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स कैसे, एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्क्वायर. देखो ये वाला, ये देखिए, दिस इज द रूल. कैन यू राइट द रूल.